जब जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जब जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं अपना 100% देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि टीम के लिए, कंट्री के लिए मैं अपना अगर योगदान दे सकता हूँ तो मैं उसके लिए 100-200% हमेशा दूँगा। आपको लॉयल होना पड़ेगा, आपको अपने टैलेंट के प्रति लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। राजनीति में अगर अच्छा ऑफर मिलता है तो एक्सेप्ट करेंगे? सर ये कॉन्ट्रोवर्सी वाले सवाल को मेरे सामने लाने बेकार है। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स स्थित मंडल आयुक्त कार्यालय पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को और उनके परिवार को अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया है। मंडलायुक्त के द्वारा अपने कार्यालय पर शमी और उनके परिवार को बुलाया गया, जहां पर शमी के द्वारा वर्ल्ड कप में किए गए प्रदर्शन को लेकर सम्मानित किया गया। दरअसल मुरादाबाद के सिविल लाइन्स स्थित मंडल आयुक्त कार्यालय पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम मंडल आयुक्त और DIG मौजूद रहे। इस दौरान समारोह मंडल के कई अधिकारियों के द्वारा मोहम्मद शमी को सम्मानित किया गया है। इस दौरान मंडलायुक्त ने अपने बयान में कहा कि शमी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। मोहम्मद शमी को देखकर बहुत से युवा आगे बढ़ रहे हैं और उनसे सीख ले रहे हैं। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में शमी के द्वारा खेले गए मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अधिकारियों ने जमकर तारीफ की गई है। बल्कि इसलिए भी है कि गांधी जी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है और इनका जीवन आगे सबके लिए प्रेरणादायी बने, सबके लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बने, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मोहम्मद शमी ऑलरेडी बहुत सारा सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। हम यहाँ पे उनका सम्मान क्या करेंगे, पूरा देश उनके ऊपर गर्व कर रहा है। उनका यहाँ आना हम सब के लिए इस प्रकार से जरूरी है कि हमारे मुरादाबाद मंडल के या फिर पूरे प्रदेश के सभी युवा इस बात से सीखे, बात से क्रिकेट की नहीं है, बात अपनी जिंदगी में संघर्ष की है, जूझने की है, जो आपका सपना उसे पाने की है और उसके लिए किसी हद तक गुजर कर जाने की है। सभी ने यह दिखाया है, जिस जगह से वो उभरे हैं वो सबके लिए, सबने देखा है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सम्मान समारोह में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमेशा आपको अपने टैलेंट के प्रति लॉयल रहना चाहिए। खेलते समय किसी भी खिलाड़ी को अपने प्रेशर में नहीं आना चाहिए, पूरा ध्यान उस समय मैदान पर रहना चाहिए। आपको जब भी पूरा मौका मिले तो खुद और अपनी टीम को पूरा 100% देना चाहिए। जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो कोई नहीं सोचते हैं और जब खराब टाइम आता है तो सब लोग सोचने लगते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कहाँ से मैं निकल कर गया हूँ, कहाँ कहाँ खेला हूँ। सब लोग, मुझे लगता है कि 90% लोग शायद जानते होंगे। कोशिश यही है कि आज की डेट में, कि बहुत सारे चेंजेस हैं क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बहुत सारे चैलेंज थे, माइंडसेट की भी कमी थी और वो कल्चर भी नहीं था शायद, ये भी बोल। लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें हमारे पास, क्या हमारे पास स्टेडियम है। मोहम्मद शमी ने आगे बोलते हुए कहा कि आप लोगों को तो पता है कि मैं कहां से हूं। मेरे समय में पहली इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, जो आपका टैलेंट होता है वही आपको आगे ले जा सकता है। आज की जनरेशन बहुत फास्ट है, मैं तो सभी से कहता हूं कि अपने टैलेंट को पहचानो और अपनी लॉयल्टी दिखाएं। कभी कभी करियर को लेकर गलत फैसले भी हो जाते हैं, किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। एक ही चीज जो हमें आगे ले जा सकती है, मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि आज का जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहना पसंद करता है। लेकिन ये एक ही चीज बोलूंगा कि अपना टैलेंट वेस्ट ना करें। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप उस पर फोकस करें, लॉयल्टी दिखाएं, तो मुझे लगता है कि आप अगर 100% में नहीं तो 95-90% तो आप सक्सेस होंगे, आप रिजल्ट कहीं ना कहीं जरूर देखेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है सारे यंगस्टर्स से, अपने टैलेंट को पहचाने और अपनी लॉयल्टी दिखाएं उस टैलेंट के प्रति, वो बहुत जरूरी है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, हम लोग कभी कभी हमारी फैमिली का भी डिसीजन गलत होता है कि हमारा टैलेंट किसी और डायरेक्शन में होता है, हमारी फैमिली का वो थोड़ा सा फैमिली को भी देखना चाहिए। तो अगर जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है मेरे धरती पर, तो मैं एनी टाइम तैयार हूँ, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, भाई से कॉन्टेक्ट करें।
तो ये चीज़ मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, स्किल बता सकता हूँ, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं वो बता सकता हूँ, लेकिन आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। बता दें आज मुरादाबाद जिले में क्रिकेटर मोहम्मद शमी को सम्मानित किया गया। मोहम्मद शमी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। इस दौरान मोहम्मद शमी ने मीडिया से बात करते हुए अपने बारे में बताया और वहां पर मौजूद लोगों को कई टिप्स भी दिए।